राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर लगातार रद्द करने की मांग चल रही है और इसी को लेकर आज शहीद स्मारक पर एक प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर एक ऐसा वाकया हुआ जो चर्चाओं में आ गया है। हमारे साथ मनोज मीना है, वहां पर एक घटना हुई, क्या घटना उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या पूरा मामला था, क्या हो गया? देखो ऐसा है, मामला कुछ नहीं, मैं पिछले 4 साल से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो एसआई का पेपर लीक हुआ था 2021 में भी हम शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे थे, 2021 में भी हम लाठियां खा रहे थे और 2-4 साल में करीबन हमने यहाँ पे दर्जनों आंदोलन करे हैं और लगातार मजबूती से ये प्रयास किया है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। जब मैंने कल ये डाला था सोशल मीडिया पे कि आज मैं शहीद स्मारक पर बेरोजगार युवाओं के आंदोलन में रहूंगा, जो कुछ पेपर माफिया है, कुछ फर्जी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने 15-15, 20-20 लाख पेपर खरीदे, उन्होंने 2-5 लाख रुपए देकर एक एजेंडा बनाया और फर्जी लोगों को अपने एजेंडे के तहत असामाजिक तत्वों को आज के आंदोलन में भेजा। और जैसे मैं आज के आंदोलन में युवाओं का पक्ष रखने के लिए, युवाओं की आवाज को उठाने के लिए शहीद स्मारक पर पहुंचा, तो ऐसे असामाजिक तत्वों ने वहां पहुंचते ही ऐसा हरकतें उन्होंने करी, ऐसा विरोध उन्होंने किया कि मनोज मीणा यहाँ क्यों आया है। भाई मैंने उनसे कहा कि तुम कौन हो, मनोज मीणा को बुलाने वाले और नहीं बुलाने वाले, मैं तुमसे थोड़ी बात करूंगा, मैं युवाओं के लिए आया हूँ, ये युवा यहाँ बैठे हैं और ये युवाओं की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तो इतनी सी बात में कुछ असामाजिक तत्व दोबारा एक दो लोग। शुरुआत किस तरफ से हो, किस तरफ से नहीं, शुरुआत मैं वहाँ बैठ के शांतिप्रिय ढंग से मीडिया से मुखातिब हो रहा था, मेरी बाइट दे रहा था, तभी एक सामाजिक आदमी आता है मेरे से, कहता है मनोज भाई बात करनी है। तो मैंने कहा भाई बात क्या है, बात बता। तो उसने कहा कि बात करनी है मेरे को अलग से। तो जैसे मैं खड़ा हुआ तो मेरे से कहने लगा कि मनोज भाई कि ऐसा है कि ये हम आपको यहाँ ये नहीं करने देंगे, आंदोलन फलाना है ढिकाना है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इनकी भाई तुम्हारा आंदोलन है, घर का प्रोग्राम है, कोई रामायण है तुम्हारा, कोई झीमना है, ये बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है। तो मैंने ये कहा कि मनोज मीणा को तुम दबा नहीं सकते, तुम यहाँ से भेज नहीं सकते, ये मैं युवाओं के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आया। इतना कहने के बाद में वो व्यक्ति अमर्यादित हो गया, मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। जब गाली गलौज करने लगा तो मैंने उसको समझाया कि भाई तू गलत कर रहा है और गाली गलौज बिना वजह करके इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास मत कर। मेरे को बाद में पता लगा कि वो आदमी बिका हुआ था, जो एक दो लोग और थे जो जबरदस्ती का पहचाना कि हमने कौन था वो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे, क्या नाम है? अभी उसकी पहचान है, अभी हमारी टीम ने करी है और उसकी पहचान करके उस पे आगे की कार्रवाई भी करेंगे कि इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से तो कोई भी असामाजिक तत्व आके किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। देखो हम राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आके इस प्रकार की हरकतें करता है तो वो निंदनीय है, वो शोभा नहीं देती और ऐसी हरकतों को मेरा मानना है कि किसी भी समाज में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बाद में उसको मैंने समझाया कि मैंने कि तू कितने पैसों में बिका है, तेरे को किसने भेजा है, तू मेरे को वैसे बता दे कि तूने कितने पैसे लिए हैं। चल ठीक है, तू मेरे से क्यों लड़ रहा है, तू तो तेने अगर तेरे पैसे ले लिए उन फर्जी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टरों से या पेपर माफियाओं से, तो वैसे बता दे। क्योंकि उनको एक दिक्कत है कि मनोज मीणा को अगर हमने यहाँ से नहीं हटाया, मनोज मीणा को अगर हमने इस लड़ाई से दूर नहीं करा तो ये पेपर रद्द करवा देगा और सरकार जो इस पेपर को रद्द कर देगी तो जो वो फर्जी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है उनके साथ में अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उनसे इन लोगों ने डील करी हुई है। तो इनके पेट में दर्द है कि मनोज मीणा को दूर करा जाए, मनोज मीणा को यहाँ डराया जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरे पर फर्जी FIR कराई, धमकियां दी। जब मेरा ये था कि मैं आंदोलन में जाऊंगा तो इन लोगों ने मेरे को डराने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था, मैं आंदोलन में पहुंचा और ऐसे समाज के लोगों ने विरोध किया, मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मनोज मीणा कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, जैसे सामाजिक तत्वों से डर जाएगा। राजस्थान के 40 लाख बेरोजगार युवाओं की उम्मीद हूँ, राजस्थान के 40 लाख बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस प्रकार से किसी को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि उस व्यक्ति को चिन्हित करके पहचान करके उस पर कार्रवाई करी जाए और जांच करी जाए कि कितने पैसे उसने आज के बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को खराब करने के लिए है और वो कितने पैसों में आज बिका है, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई करे और जल्दी हम इसको लेकर पुलिस विभाग से भी निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। पहले भी आप उस आंदोलन में साथ रहे हैं, ऐसे ही भर्ती में आपको देखा गया कि आप मांग करते रहे उनके बेरोजगारों के साथ, लेकिन आज इस तरह से वाकया हुआ, ये क्या सही था? क्योंकि जिस तरह से इस तरह वाकया होता है तो कहीं ना कहीं पूरे बेरोजगारों के जो है पूरे राजस्थान में इसका मैसेज जाता है कि एकजुटता से लड़ाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में फूट भी नजर। देखो आपसे फूट मनोज मीणा की तरफ से तो कुछ है ही नहीं, मैंने परसों के दिन ही मैं बताऊँ आपको महेश नगर में प्रोग्राम करा, 400-500 बच्चे थे, मजबूती से सरकार से कहा कि भजन ला
अग्रवाल जी विदेश से आके भर्ती परीक्षा को रद्द करिए। अब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, ए जी ने कह दिया, एस ओ जी ने कह दिया और पीएचक्यू ने कह दिया कि भाई ये बड़ा लेवल का घोटाला हुआ है, अब इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्व सब हर जगह होते हैं, ऐसे सामाजिक तत्वों की कोई गिनती थोड़ी है, ये तो कहीं भी आ सकते हैं, ये तो यहाँ भी आ सकते हैं और कोई आके कुछ भी जिनके संस्कार अच्छे नहीं है जो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों का हम उनके बारे में क्या बोले, ऐसे लोग तो कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन साहब युवा संगठित है और एकजुट है और ये राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है और इसको हम 4 साल से लड़ रहे हैं। और लगातार मैं आपको याद दिला दूं कि जब बीजेपी सरकार बनी थी तो 11 मार्च को सबसे बड़ा प्रदर्शन हमने रिद्धि सिद्धि पे किया था, करीबन 4-5 हजार बच्चे थे। तो साहब मनोज मीणा ने तो ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने को लेकर दर्जनों प्रदर्शन करें और मीडिया भी इस बात का साक्षी रहा है और आगे भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन साहब ऐसा है कि ऐसे असामाजिक लोग जो बीच बीच में आके परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, पैसा लेके अपना एजेंडा चलाते हैं, ऐसे लोगों का इलाज तो करना पड़ेगा ना। ऐसे लोग आज उन्होंने बुलाया था, आप अपने आप से ही गए थे साहब यहाँ? जैसे आपके कोई प्रोग्राम हो, रामायण हो, स्वामणी हो, तो आप मेरे को निमंत्रण भेजोगे? बेरोजगार युवाओं की जब बात होगी वहाँ निमंत्रण की जरूरत होती है क्या? ये तो साहब हक अधिकारों की लड़ाई है, ये कोई एक व्यक्ति का आंदोलन थोड़ी होता है। मेरे आंदोलन के हजारों बेरोजगार युवा आते हैं, क्या मैं उनको निमंत्रण भेजता हूँ? वो अपने हक के लिए आते हैं, बेरोजगार युवा या किसी के लिए थोड़ी आते हैं, अपने हक के लिए आए बेरोजगार युवा। बाकी जो तमाम बेरोजगार युवा मेरे से उम्मीद रखते हैं, उन सब युवाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा कि मनोज भाई आप हमारी उम्मीद हो और आपको इस आंदोलन में पहुंचकर हमारी भागीदारी है वो सुनिश्चित करिए और लीडरशिप करिए और हमको न्याय दिलाइए। और उनके कहने पर ही मैं उस आंदोलन में वहां पे पहुंचा था, वहां की तो निमंत्रण की कोई जरूरत होती नहीं है क्योंकि ये युवाओं की लड़ाई है और हमने वही कार्य किया है कि युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बिना वजह अपना एजेंडा चलाते हैं और उनको ये है कि कोई जानता पहचानता नहीं है कि मनोज मीणा पे टिप्पणी करेंगे तो 5 लोग जानेंगे। अरे तुम्हें जानने का इतना शौक है तो कोई अच्छे कार्य करो, आपको लोग वैसे ही जानेंगे ना भाई। मनोज मीणा को लोग जानते हैं तो संघर्ष किया है 3-4 साल से लगातार सड़कों पे साहब लाठियां खाई है और लगातार युवाओं के लिए भिड़ रहे लड़ रहे हैं, तो संघर्ष है हमारा। तो ऐसे साहब असामाजिक लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन पे वीडियो में जो है अग्रेशन रूप आपका देखा, क्या हुआ? क्योंकि जिस तरह से जूता आपके हाथ में था, एक अलग तस्वीर सामने। देखो ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति आप जब ईमानदार हो और ईमानदारी से लड़ रहे हो और कोई व्यक्ति आप पे कोई कटाक्ष करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ह्यूमन नेचर है। मैं इस चीज से कोई इग्नोर नहीं करता कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मनोज मीणा को भी आ जाता है, गुस्सा आपको भी आ जाता है। तो वो थोड़ा गुस्सा था तो उस गुस्से के चलते एक वो वाकया हुआ था, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने उसको समझाया भी था कि तेरी हरकतों के कारण से तूने आज ये गलत कार्य किया है, पैसा लेके तूने जो भी काम किया है तेरा वो ठीक नहीं था, तूने इस आंदोलन को तोड़ने का कार्य किया है। और छोटी मोटी चीजें होती रहती है, वो कोई बड़ा मसला नहीं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो आगे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे जब तक भजनलाल सरकार रद्द नहीं करेगी। मनोज मीणा का आंदोलन तो साहब 4 साल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ऐसे दलाल लोगों की पहचान होना जरूरी थी, बेरोजगार युवा बेचारे ठगे नहीं जाए, उन्हें परेशान नहीं किया जाए। ये बेरोजगार युवाओं की भेस में ये दलाल थे जो आज सामने आ गया कि सरकार की दलाली, पेपर माफियाओं की दलाली, फर्जी स्वेटरों की दलाली करने आते थे और ये झूठा ये दिखावा कर रहे थे कि हम आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते हैं। अरे सब ऐसे थोड़ी होता है, है? तो आज जिनकी पोल पट्टी खुल गई कि ये दलाली के चलते घूमते थे। और मनोज मीणा तो लगातार ये लड़ाई लड़ी रहा है, परसों के दिन में महेश नगर पे 400-500 लड़के आए थे, अब भी जगतपुरा जाऊंगा, अब भी वहां पे आंदोलन करूंगा, अब भी लोगों को इकट्ठा करूंगा। तो ये तो पैसे लेके करते हैं ना साहब, ये तो दलाली कर रहे थे, इनको क्या मतलब आंदोलन से, इनको क्या मतलब बेरोजगार युवाओं से। मैंने राजस्थान के लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ी है और पिछले लंबे समय से लड़ रहा हूँ। कितने लोगों को रोजगार दिलाया, उन लोगों से पूछो कि मनोज मीणा का योगदान आपके जीवन में क्या है, वो बताएंगे आपको। ऐसे क्या दलाल लोग है, सामाजिक लोग को अपनी वैल्यू थोड़ी पता लगेगी, क्योंकि ये तो पैसे में काम करने वाले लोग है, ये तो बिकने वाले लोग है। तो इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है कि अगर मनोज मीणा ने भर्ती रद्द करा दी तो इनकी दलाली बंद हो जाएगी। जो झूठा नेतृत्व कर रहे हैं, जो झूठा दिखावा करते हैं, जिनको ना कोई जानता ना कोई पूछता, जबरदस्ती के वो बनने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अरे तुम बताओ ना, तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें बताना चाहिए भाई, अगर तुम लड़ रहे हो तो मनोज मीणा से क्यों दिक्कत है? मनोज मीणा तो वो व्यक्ति है, जब तुम कहीं थे ही नहीं इस लड़ाई में, पेपर लीक की लड़ाई में जब से लड़ रहे थे हम तो सब। और ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसे समाज में सामाजिक लोग बहुत होते हैं। चर्चा है कि मारपीट हुई, लेकिन आप कह रहे हैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है बताओ, ये काम बताओ क्या हुआ था? वो पूरा वाकया मैंने बताया है। मारपीट तो तब होती है जब कोई लड़ाई व्यक्तिगत होती है, स्वार्थ की होती है। ये तो साहब बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है और ऐसे कोई
मारपीट कैसे कर सकता है अपने राजस्थान में, कानून व्यवस्था है भारत में, अपने पूरे में लोकतंत्र है, ऐसे कोई मारपीट करेगा तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, असामाजिकता जरूर कुछ थे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने ये कोशिश करी कि आंदोलन को तोड़ा जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन इतना जरूर हुआ आज के इस जो घटनाक्रम से कि वो एक नकाब था वो आज हट गया और लोगों को पता लग गया कि वो लोग दलाली कर रहे थे, वो लोग लोगों को ठगने का कार्य कर रहे थे, तो वो सामने आ गया। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके सामने हम बैठे हैं और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि इस प्रकार की घटना कोई कर सके, क्योंकि राजस्थान के लोगों की उम्मीद हूँ, राजस्थान के लोगों के लिए लड़ता हूँ, चाहे पेपर माफिया धमकी दे ले, चाहे FIR करा ले, ऐसा कोई करने की क्यों सोचेगा, मैं तो ईमानदारी से लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। ये भी कह रहे हैं कि जो आंदोलन आज जो हुआ, जो ये घटना हुई, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से भर्ती हो गए थे, तो उन लोगों ने करवाए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों का एजेंडा था। और ये क्या है कि बेरोजगारों के भेष में ये क्या दिखा रहे थे कि हम बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, और ये उनसे जुड़े हुए लोग थे, ये मैं कह रहा हूँ। आज लोगों ने इनकी पहचान कर ली, लोगों ने चिन्हित कर लिया कि ये लोग बिके हुए लोग है, दलाल लोग है। जो आदमी 4 साल से मुकदमे खा लिए, लट खा लिए, उस आदमी से तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम क्या तुम्हारे घर वालों से ऐसे बात करते हो, ये तुम्हारे संस्कार है, है? अगर भाई कोई बात होती है तो अपन मिल बैठ के बात करते हैं ना, अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो वो दिखाई पड़ता है, फिर उनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द था कि यार मनोज मीणा ने ये भर्ती रद्द करा दी, राजस्थान के 8 लाख बेरोजगार युवाओं को न्याय दिला दिया, तो हमारी जो दलाली हमने ली वो देनी पड़ेगी, हमने जो पैसे लिए हैं पेपर माफियाओं से, फर्जी ट्रेनिंग कुछ सब इंस्पेक्टरों से उन्होंने, वो देने पड़ेंगे। इस बात की तकलीफ पीड़ा उनके चेहरे पे थी, इसलिए वो जबरदस्ती का माहौल बना रहे थे। सब ऐसे लोगों का अब देखो क्या कहे, असामाजिक लोग है और इस प्रकार की हरकतें कर देते तो कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई नहीं, मजबूती से आगे भी लड़ेंगे, रब भी लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, युवा महासंघ के अध्यक्ष हैं, और आज जो घटना हुई उस पर हमने बात की उनसे कि किस तरह का वाकया था, और उन्होंने कहना है कि इस आंदोलन को, ऐसी भर्ती को रद्द करने की जो मांग की जा रही है, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है, कुछ असामाजिक जो तत्व हैं उन्होंने इस तरह की हरकत की है, वो आगे भी बेरोजगार की मांग को लेकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।